नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी काफ़ी पुरानी है, लेकिन इस कहानी से जुड़ी जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो करीब करीब 50 से 60 साल पुरानी बात होगी। आज की ये कहानी सुधीर की है, जो कि बाय प्रोफेशन एक आर्कियोलॉजिस्ट था। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो लोग पुरातत्व चीज़ों का, मतलब पुरानी चीज़ों को खुदाई में निकाल कर उन पर सारे शोध किया करते हैं, मतलब रिसर्च। सुधीर के पिता भी प्रोफेशन से एक आर्कियोलॉजिस्ट ही थे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा जानकारी होने के बाद भी उनको प्रमोशन का कोई भी मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि वो जिनके अंडर काम करते थे अक्सर उनके साथ ऐसा होता था कि वो जब भी कोई बहुत बड़ी खोज अगर करते भी थे तो उसका सारा क्रेडिट उनके सीनियर को मिल जाता था। इस वजह से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया, और जब उनकी मौत हुई तो उनके नाम के साथ एक ठप्पा जोड़ दिया गया, एक फेलियर का, एक लूज़र का, जो कि सुधीर के लिए बहुत ही बुरी बात थी, क्योंकि सुधीर अपने पापा के बारे में बहुत अच्छे से जानता था कि उसके पापा इन चीज़ों में कितने जानकार इंसान थे। उसने बहुत सारी चीज़ें तो अपने पिता से ही सीखी थी, और वही उसके ज़िंदगी के प्रेरणा थे जिनके वजह से वो इस प्रोफेशन में आए। और दूसरा रीज़न इस प्रोफेशन से जुड़ने का उनका ये था कि जो भी चीज़ उनके पिता नहीं कर पाए, वो चीज़ सुधीर करके अपने पिता का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया था जिनके साथ वो ये सारे काम किया करते थे। वो जगह जगह पर जाते और खुदाई करके जो भी चीज़ें मिलती उनके ऊपर शोध करके उसके बारे में ये जो भी रिजल्ट होता था अपनी टीम में शेयर कर दिया करते थे। इसी तरह से उनका काफ़ी वक्त निकल चुका था और अभी तक उनके हाथ कोई बहुत बड़ी खोज नहीं लगी थी, जिससे वो अब काफ़ी परेशान रहने लगे थे। करीब करीब उनकी उम्र 40 साल हो चुकी थी, तो उनको पता था अब वो उस ज़िंदगी के इस पड़ाव पर पहुंचकर अगर अब कुछ बड़ा नहीं करेंगे तो शायद समय उनके भी हाथ से निकल जाएगा। उनके लिए ये बहुत बड़े चैलेंज की तरह था। एक बार उनको और उनकी पूरी टीम को एक जगह खुदाई का काम करने के लिए जाना था, जहां पर उन लोगों को ये खबर मिली थी कि वहां करीब करीब 2000 साल पुराने अवशेष हैं। तो वहां पर वो अपनी पूरी टीम के साथ खुदाई के लिए पहुंच गए, लेकिन जहां उनकी टीम खुदाई कर रही थी उससे हटकर थोड़ी दूर पर उन्होंने खुदाई करवाना शुरू किया। और जब उन्होंने वहाँ पर खुदाई करवाई तो वहाँ उन्हें बहुत सारी अस्थियाँ मिली। उन्होंने जब वो अस्थियाँ देखी तो सारे लोगों को वहाँ से हटाकर वो उन अस्थियों को संभाल कर कलेक्ट करने लगे। उन अस्थियों को कलेक्ट करते करते उन अस्थियों के ही बीच में उन्हें एक छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत सा डब्बा मिला, जिस डब्बे में बहुत अजीब से लैंग्वेज में नक्काशी करके कुछ लिखा गया था। उस डब्बे पर बहुत सुंदर हीरे जवाहरात भी जड़े हुए थे। उन्होंने वो डब्बा बिना किसी को बताए चुपचाप अपने पास रख लिया कि वो उस पर अकेले में रिसर्च करेंगे, और जो भी चीज़ उन्हें पता चलेगी उसका पूरा क्रेडिट वो इस बार लेना चाहते थे और अपने पिता को देना चाहते थे। उन्होंने
ये चीज़ अपने पास रख ली और जो भी अस्थियाँ मिली थी वो अपने टीम को रिसर्च करने के लिए दे दी। ऐसा करके वो डब्बा लेकर वो अपने घर पर पहुंच गए। वहां भी उन्होंने एक छोटी मोटी लैब बना रखी थी जिसमें वो अपना टाइम बिताया करते थे। जो भी चीज़ें उन्हें लगती थी कि उन पर उन्हें एक्स्ट्रा रिसर्च करनी चाहिए वो उस लैब में किया करते थे। जब वो डब्बा लेकर वहाँ अपने लैब में पहुँचे तो उन्होंने उस डब्बे पर लिखी हुई भाषा को पहले पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कई दिनों तक उन्होंने उस डब्बे की भाषा के बारे में रिसर्च किया। उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो कौन सी भाषा लिखी हुई है। अब उन्होंने उस डब्बे को खोलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा अगर एक बार ये डब्बा खुल जाएगा तो उन्हें बहुत सारी बातें शायद ऐसे ही समझ में आ जाए कि इस डब्बे पर क्या लिखा हो सकता है। लेकिन वो डब्बा खोलने में भी वो नाकामयाब ही रहे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। वो उस डब्बे के साथ अब कुछ भी करने में नाकामयाब हो चुके थे, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी वो कोशिश हमेशा जारी रखी। एक दिन ऐसे ही, अभी लगभग उनको वो डब्बा लाए हुए 1 से 1.5 महीना निकल चुका था और सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आज अचानक उनको घर की तरफ आते वक्त थोड़ी चोट लग गई। चोट बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जहाँ जहाँ उन्हें चोट लगी थी थोड़ा बहुत खून निकल रहा था, तो उन्होंने डॉक्टर के पास ना जाना बेहतर समझकर ये सोचा कि वो घर पर जाकर अपने हाथ से अपनी मरहम पट्टी कर लेंगे। और जहाँ तक रही बात टेटनस के इंजेक्शन की, तो वो कल सुबह जाकर ले लेंगे। वो घर पहुँचे और अपना फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगे, लेकिन वो बॉक्स उन्हें मिल नहीं रहा था। और वहीं पास में वो बॉक्स भी रखा हुआ था जो वो खुदाई के दौरान अपने घर पर लेकर आए थे। उन्होंने चीज़ों को इधर उधर करने के चक्कर में अपने उस डब्बे को भी हाथ लगा दिया। जब उन्होंने उस डब्बे को हाथ लगाया तो उनके हाथ पर लगी चोट से खून उस डब्बे पर लग गया। जैसे ही उनका खून उस डब्बे पर लगा, वो डब्बा तुरंत खुल गया। ये देखकर उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो डब्बा इतनी आसानी से खुल गया, जिसको वो इतने महीने से खोलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके लिए अभी बड़ी बात ये थी कि वो डब्बा खुल चुका था। उन्होंने अपनी मरहम पट्टी करना तो जैसे उनके दिमाग से निकल ही गया। अब वो उस डब्बे को लेकर वापस से लैब में पहुंच गए और उसके अंदर से चीज़ें देखने के लिए उन्होंने निकालने की कोशिश की। लेकिन जब वो डब्बा उन्होंने पूरा खोला तो देखा कि वो डब्बा अंदर से पूरी तरह खाली है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये डब्बा खाली है तो ये इतनी अच्छे से बंद करके क्यों रखा गया था और क्या है इस डब्बे में। उन्हें अभी तक ये उम्मीद थी कि अगर वो डब्बा खुल जाएगा तो शायद उसके ऊपर लिखी हुई भाषा का राज वो खोल पाए। लेकिन अब उस डब्बे के अंदर से कुछ ना निकलने के वजह से उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे। फिर वो निराश हो गए और उन्होंने उस डब्बे को वहीं साइड में रख दिया। और अपनी मरहम पट्टी करने के बाद काफ़ी रात होने के वजह से सोने चले गए। अगले दिन जब उनकी नींद खुली तो उनके पूरे कपड़े पर खून लगा हुआ था। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जितनी उनको चोट नहीं लगी थी उनके कपड़े पर उससे ज़्यादा खून आया तो आया कहाँ से। उन्हें ये बात काफ़ी अटपटी लगी, लेकिन फिर भी
उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी चोटों को वापस से चेक किया, लेकिन उनकी चोट से अब खून बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। फिर वो अपने कमरे से जब निकलकर बाहर आए तो उन्होंने देखा उस डब्बे के आसपास बहुत सारा खून बिखरा हुआ है और वहाँ ज़मीन पर भी काफ़ी सारा खून था। इतना खून उनके घर में अचानक आया कहाँ से? ये बात उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो क्या कर सकते थे। उन्होंने वो सारा खून साफ किया और अपने काम पर चले गए। वहाँ जाने के बाद बार बार उनके दिमाग में वही बातें चल रही थी कि घर पर और उस डब्बे के आसपास इतना सारा खून आया तो आया कैसे। उनके लिए अब ये बात जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर इसके पीछे कुछ गलत था तो ये सही नहीं है। उन्हें इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सुधारना पड़ेगा। फिर आज का काम ख़त्म करके वो वापस से अपने घर गए और फिर से उस डिब्बे को लेकर बैठे और उस डिब्बे की भाषा को वापस से पढ़ने की और समझने की कोशिश करने लगे। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद जैसा कि पहले उनके साथ हुआ था वैसा ही आज भी हुआ। उन्हें उस डब्बे के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और आज की रात वो वापस से थक हार कर सो गए। अगली सुबह जब फिर से उनकी नींद खुली तो आज उनके बिस्तर पर भी काफ़ी सारा खून लगा हुआ था, उनके कपड़े पर खून लगा हुआ था और वापस से उस डिब्बे और ज़मीन पर बहुत सारा खून फैला हुआ था। ये बात अब उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। अब उन्हें जल्दी से जल्दी इन चीज़ों के बारे में जानना था। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने खून वगैरह साफ कर लिया और वो ऑफिस जाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, अचानक उनके यहाँ पुलिस पहुँच गई और पुलिस ने बताया कि उनके एरिया में दो लोगों की मौत हो चुकी है और उनकी मौत होने पर उन दोनों के ऑर्गन्स गायब थे, मतलब दोनों बॉडीज़ के अंदर से उनके दिल गायब थे। ये सुनकर उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर उन दोनों लोगों की मौत हुई है तो वो खून मेरे घर में कहाँ से आया। उनके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उनको ये लग रहा था कि अगर उनकी मौत हुई और मेरे घर में खून था, इसका मतलब कहीं उनका खून यहाँ तो नहीं हुआ या फिर वो खून कहीं मैंने तो नहीं किया। लेकिन उनके दिमाग में ये बात आई कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको कुछ भी याद क्यों नहीं है। अब उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि अगर गलती से भी उन दोनों इंसानों का खून उनके घर में हुआ फिर भी वो फंस सकते हैं, और अगर जाने अनजाने ये खून उन्होंने किया है फिर भी उनके लिए ही मुसीबत आने वाली है। अब उन्होंने इन चीज़ों के बारे में अलग तरीके से जानने की कोशिश करना शुरू किया, मतलब उन्होंने काली शक्तियाँ, तंत्र विद्या, बलि, इन सारी बातों को पढ़ना शुरू किया। जल्दी ही उन्हें ऐसे एक पात्र के बारे में पता चला जिसे कि भक्षक पात्र कहा जाता था। ये पात्र बहुत सालों पहले जो डायन या चुड़ैले होती थीं वो अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए इस पात्र का इस्तेमाल किया करती थी। हर डायन या चुड़ैल की शक्ति अलग अलग ऑर्गन से बढ़ती थी। कोई किसी ऑर्गन की बलि देकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाती थी, कोई किसी ऑर्गन की। ये बात अब उनके समझ में आ गई थी कि शायद उनके पास जो ये पात्र है ये भी एक भक्षक पात्र ही है। लेकिन इस पात्र को अब वो क्या करने वाले थे, ये उनके लिए सबसे बड़ा सवाल था। कहीं ना कहीं उनके लिए
अब सारी बातें क्लियर हो चुकी थी कि ये उन्होंने ही खून किए थे और दिल निकाल कर शायद वो किसी की शक्तियां बढ़ा रहे थे। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे थे? फिर उनके दिमाग में ये बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी पात्र के अंदर वो डायन या चुड़ैल होगी जिसके वजह से ये सारी मौतें हो रही हैं। लेकिन इस चीज़ के बारे में उन्होंने और जानने की कोशिश की। उन्हें बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन जितनी बात पता चली उनको उससे ये बात तो समझ में आ गई कि अब उन्हें जल्दी से जल्दी इस पात्र से छुटकारा पाना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत इस पात्र को ले जाकर जहाँ से खुदाई में इसे पाया था उसे वहीं पर फेंक कर वो रातों रात अपने घर वापस आ गए और आज की रात अब वो निश्चिंत होकर सो गए। अगली सुबह जब उनकी नींद खुली तो वापस से उनकी हालत वैसी ही थी जैसे कि दो दिनों से हो रहा था। उनके हाथ पैर पर, कपड़े पर, बिस्तर पर और घर में काफ़ी सारा खून फैला हुआ था और वो पात्र वहीं उसी जगह पर रखा हुआ था। उन्हें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि वो तो कल रात ही इस पात्र को फेंक कर आए थे, लेकिन ये वापस घर पर कैसे आ गया। अब उनके लिए ये पात्र बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका था। कहीं ना कहीं उनको ये अंदाज़ा हो चुका था कि शायद उनके अंदर किसी डायन या चुड़ैल की आत्मा आ गई है, या फिर अब जो भी है इन चीज़ों से छुटकारा पाना उनके लिए शायद बहुत मुश्किल है। अब वो क्या कर सकते थे, ये बात किसी को बता भी नहीं सकते थे। फिर अगले दिन वापस से पुलिस उनके यहाँ पूछताछ के लिए आई, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों को वैसे ही मना कर दिया जैसे कि इससे पहले मना किया था। वो ना चाहते हुए भी अब उस पात्र के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुके थे। उनको कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा था। देखते देखते एक महीना ऐसे ही निकल गया और वो हर दिन कोई ना कोई ऐसी ही तंत्र शक्ति, तंत्र विद्या की किताबें पढ़ते और उस पात्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते। अब उन्हें एक बात और पता चल चुकी थी कि वो पात्र इसलिए खुल गया क्योंकि उस पात्र पर उनका खून लग गया था और शायद इसी माध्यम से अब वो उस जो भी शक्ति थी उस शक्ति के लिए ये बलियां दे रहे थे। लेकिन इस चीज़ से छुटकारा पाना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। अब उन्होंने एक दिमाग लगाने का सोचा। उन्होंने सोचा क्यों ना वो इस पात्र को किसी मंदिर में जाकर रखाए और मंदिर में रखने के बाद शायद उन्हें इस पात्र से छुटकारा मिल जाए। उन्होंने आज रात ये करने की ठानी और वो मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में रात में उन्होंने सबसे नज़रें छुपाकर वो पात्र मंदिर के एक कोने में रख दिया और वहाँ से अपने घर वापस आकर उन्होंने चैन की सांस ली। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कि छुटकारा पाना मुश्किल नहीं शायद नामुमकिन होता है। ऐसा ही कुछ सुधीर जी के साथ भी होने वाला था। अगली सुबह जब वो वापस से उठे तो वो पात्र भी वहीं था और उनके पूरे घर की हालत भी वही थी जैसा कि अभी से इतने समय पहले तक चल रहा था। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो करें तो क्या करें, कैसे छुटकारा पाएं इन चीज़ों से। फिर उन्होंने एक फैसला किया कि अभी तो उन्होंने ये पात्र मंदिर में चुपके से रखा था, अब वो वहाँ के पंडित जी से जाकर इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और उनसे उपाय मांगेंगे। वो अगली ही सुबह काम पर ना जाकर मंदिर में पंडित जी के पास पहुँच गए। पंडित जी को उन्होंने सारी बात
शुरू से लेके अभी तक की बता दी। जब उन्होंने सारी बात पंडित जी को बताई तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, ये मैंने मेरे गुरु से सुन रखा था कि ऐसा पहले हुआ करता था, लेकिन जहाँ तक अभी मुझे पता है, ऐसे पात्र अब नहीं होते हैं। अब जो भी बलि डायन या चुड़ैले देती हैं वो बस डायरेक्ट देती हैं, किसी भक्षक पात्र के द्वारा नहीं। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि आपको ये खुदाई के दौरान मिला था, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये काफ़ी पुरानी किसी काली शक्ति का पात्र है, तो इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, फिर भी आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने गुरु से सलाह मशवरा करके आपको बताता हूँ कि इस शक्ति से छुटकारा पाया जा सकता है या नहीं, और अगर पाया जा सकता है तो कैसे, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है। सुधीर जी के पास इंतज़ार करने के अलावा कोई उपाय नहीं था। फिर उन्होंने 2 दिन इंतज़ार किया और वो 2 दिन वैसे ही बीते जैसे कि अभी तक बीत रहे थे। धीरे धीरे पुलिस वालों की इंक्वायरी चल रही थी, लेकिन उनको भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। 2 दिन बीतने के बाद सुधीर जी पंडित जी के पास मंदिर में पहुंच गए, और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पंडित जी को बहुत ज़्यादा परेशान देखा। फिर उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप अपने गुरु जी से मिले क्या? पंडित जी ने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया। सुधीर जी ने फिर पूछा, तो आपके गुरु जी ने क्या उपाय बताया, इस पात्र से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे छुटकारा मिलेगा मुझे, क्या उपाय बताया उन्होंने? पंडित जी ने कहा, बेटा जैसा कि तुमने बताया था, मैंने सारी की सारी बात गुरु जी को वैसे ही बता दी, और मेरे गुरुदेव ने ये बात साफ साफ कही है कि इस पात्र से छुटकारा पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये पात्र खुला है तुम्हारे ही खून के साथ। तो या तो तुम इस पात्र को अपनी बलि दे दो, या फिर तुम्हारे ही कोई खून के रिश्तेदार हो उनकी बलि जब तक तुम इस पात्र को नहीं दोगे, ये पात्र शांत नहीं होगा। ये बात सुनते ही सुधीर जी के होश उड़ चुके थे। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें, और उनके परिवार में कोई भी नहीं था, क्योंकि उनकी माँ का भी देहांत बहुत पहले हो चुका था और सुधीर जी इकलौते बेटे थे, और सुधीर जी ने अपने काम के वजह से कभी शादी ही नहीं की, तो उनके आगे पीछे तो कोई था ही नहीं। लेकिन सुधीर जी इन सारी चीज़ों से इतना परेशान हो चुके थे कि उन्हें भी छुटकारा चाहिए ही था। तो वो अब ये बात समझ चुके थे कि उनको इस चीज़ से छुटकारा कोई नहीं दिला सकता, क्योंकि उनके इतने दिन की खोज के बाद भी उन्हें इस पात्र के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, और उन्होंने अपने हिसाब से हर तरीके से इस पात्र से छुटकारा पाने की कोशिश करके देख लिया था, और वो हर तरीके से अब हार चुके थे। अब उन्हें खुद की जान देनी थी, ये बात उन्हें अच्छे से समझ में आ गई थी, लेकिन उनके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थीं। उन्होंने जिस चीज़ के लिए आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, कोई बड़ी खोज, कोई महत्वपूर्ण चीज़ ढूंढने के लिए और अपने पिता का नाम ऊंचा करने के लिए, वो करने के चक्कर में उनकी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जो चाहते थे वो अभी तक कर नहीं पाए थे। हार तो वो ऐसे भी चुके थे। अब आज रात उन्होंने अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। ये बात अलग थी कि उनको ये नहीं पता था कि वो अपनी जान कैसे देंगे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई काली शक्ति आप पर हावी हो जाए
और सच में वो आपकी बलि लेना चाहे तो अगर आप में जान देने की हिम्मत नहीं भी होती है, फिर भी वो हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ जाती है। शायद वो भक्षक पात्र इतने दिनों से सुधीर जी के ही हाँ बोलने का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो खुद की जान देने के लिए तैयार होंगे और कब उनको इस तरीके से मजबूर कर दे वो पात्र कि वो खुद से खुद की जान ले लें। लगभग एक हफ्ता निकल चुका था और सुधीर जी अभी अपने ऑफिस नहीं आ रहे थे। ना तो वो अपना फ़ोन उठा रहे थे और ना ही दरवाज़े पर कोई आता तो दरवाज़ा खोल रहे थे। कुछ दिनों बाद उनके घर से अजीब सी बदबू आने लगी। उनके ऑफिस वालों ने उनके गुम होने की और ऑफिस ना आने की शिकायत दर्ज करवा दी थी। पुलिस वाले जब सुधीर जी के घर पर पहुंचे, तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर देखा। जब दरवाज़ा तोड़कर देखा तो सुधीर जी की लाश वैसे ही ज़मीन पर पड़ी हुई थी जैसे कि इससे पहले पूरे मोहल्ले में या पूरे एरिया में सारे लोगों की मौतें हो रही थी और उनका दिल गायब हो रहा था। पुलिस वालों ने सारे केसेस से इस केस को भी जोड़कर क्लोज कर दिया और अब सुधीर जी की मौत होने के बाद वहां उस घर से वो भक्षक पात्र गायब हो चुका था। वो कहां गया, इस वक्त वो कहां है, क्या वो अभी भी किसी की बलि ले रहा है या सब कोई ठीक है, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि सुधीर जी की ज़िंदगी में क्या हुआ ये बात किसी को नहीं पता, सिवाय उन पंडित जी के और उनके गुरु जी के। ये कहानी हमें उन्हीं पंडित जी ने भेजी है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमें आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके भी पास ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आपको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।